कश्मीर के हाइगेन में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। आतंकवादियों की फायरिंग के बाद सेना ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। फायरिंग में एक जवान गंभीर रूप से जख्मी हुआ। फिलहाल सीआरपीएफ, आर्मी और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ऑफ जम्मू कश्मीर ने मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल सेना को खबर लगी थी कि हाइगेन में कुछ आतंकी रह रहे हैं और कश्मीर में लगातार सेना पर हमले को अंजाम दे रहे हैं। सेना ने इसी सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सेना पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक जवान जख्मी हुआ है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट समय लाइव पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस दिखाएं, लेटेस्ट खबरें दिखाएं, और अगर आपको ये पसंद कुछ आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।